अब सर्वे की बात भी यहाँ तक है तो हम सुनी हुई बात ही मानते हैं कि सर्वे में हम ऊपर थे, या हम ये भी माने कि भोपाल में चर्चाओं में भी था, पेपरों में भी था कि सिंगल ही नाम दिल्ली गया है, ये सब चर्चाओं की बात है और ये सर्वे हमने भी नहीं देखा और चर्चाएं हमने भी नहीं सुनी। लेकिन पार्टी के स्तर पर जो फैसला हुआ है उसके बारे में ज्यादा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये फैसला अगर होता तो हम शायद इसका स्वागत भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फैसला है। ये तो एक ऐसा समझौता है जिससे सिवनी मालवा और इस पूरे जिले में कांग्रेस का भविष्य अंधकार में डूब गया। यहाँ ओम से ही शुरू होता है और ओम पर ही खत्म होता है। ये पार्टी को समझ लेना चाहिए और अगर पार्टी इस चीज को नहीं समझती है तो उसका नतीजा भी पार्टी को देखने को मिलेगा। और आज जो ये निर्णय हुआ है ये बहुत गलत निर्णय हुआ है, हम सब इसका विरोध करते हैं और जैसा सभी लोग आदेश करेंगे हम उनके साथ हैं। और जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष से मैं आज इस्तीफा देता हूं इसके विरोध में। आप विरोध पार्टी को लेके ये है कि उन्होंने जो भी फैसला किया बहुत गलत किया है और इसके लिए हम आगे तक जाएंगे। और यहां से अगर पार्टी अगर सीट बदलती भी नहीं है तो भैया को हम चुनाव लड़वा के रहेंगे। कांग्रेस की बहुप्रतीक्षित दूसरी सूची आने के बाद कांग्रेस में अब विरोध के सुर उठना शुरू हो गए हैं। गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात लगभग 1:30 बजे पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी के निवास पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच गए तथा उनके द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा बहुत ही गलत फैसला लिया गया है, हम इसका विरोध करते हैं। यदि टिकट नहीं बदली गई तो इसका परिणाम कांग्रेस पार्टी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। वही पूर्व विधायक के निवास पर ही कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सुशील कतरी ने कहा कि जिसने कांग्रेस को सिवनी मालवा विधानसभा में जीवित रखा उसकी टिकट काटा जाना बहुत ही गलत निर्णय है, इससे कांग्रेस कार्यकर्ता आहत है और मैं अपने जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। वही ओम प्रकाश रघुवंशी के समर्थकों का कहना है कि यदि कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं बदला तो भी हम ओम प्रकाश रघुवंशी को सिवनी मालवा विधानसभा से चुनाव लड़ाएंगे। वही पूर्व विधायक ओम प्रकाश रघुवंशी ने कहा कि अभी तक जो जानकारियां आई थी उसके हिसाब से तो मुझे भी ये पता चल रहा था कि सभी सर्वे में मेरा नाम सबसे पहले था। अभी तक जो आयोजन भी हुए हैं उनमें भी मेरी पूरी सहभागिता रही है, पर्यवेक्षक सहित सभी के द्वारा मेरा नाम दिया गया था, परंतु इसके बाद भी यदि सिवनी मालवा विधानसभा से मुझे टिकट नहीं दी गई है तो ये समझ के परे है, हम शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने का दावा कर रही कांग्रेस की आंतरिक स्थिति अब ढकी छिपी नहीं रही है। टिकट वितरण के बाद गुटबाजी सतह पर आ गई है, जबकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ हर जगह कहते हैं कि पार्टी में गुटबाजी जैसी कोई बात नहीं है, पर सिवनी मालवा की स्थिति को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव कैसा होगा। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। ओ भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सिवनी मालवा की यही पुकार, ओम भैया आपकी बात। सिवनी मालवा की यही पुकार, ओम भैया आपकी बात। सिवनी मालवा की यही पुकार, ओम भैया आपकी बात। सिवनी मालवा की यही पुकार, ओम भैया आपकी बात।
आपकी बात। ओ भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ भैया जिंदाबाद, ओ भैया जिंदाबाद। रात के 1 बज गए हैं, कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार का विरोध कर रहे हैं? देखिए 1977 में जब सिवनी मालवा विधानसभा अलग बनी, तभी से हजारीलाल रघुवंशी जी ने यहाँ विरोधी लहर के बावजूद भी यहाँ कांग्रेस को जीत दिलाकर और विधायक बने। उसके बाद 80 से लेके बीच में मंत्री और सब बने, जिनने सिवनी मालवा को नगर में पहचान दी, कांग्रेस पार्टी को एक अच्छा सबल नेतृत्व दिया। बीच में 1985 में ओम रघुवंशी जी विधायक बने, जिन्होंने बहुत विकास के काम किए, और रघुवंशी परिवार हमेशा सदा ही कांग्रेस का रहा है। उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए अपनी ईमानदारी और निष्ठा से पूरे यहाँ सिवनी मालवा के नाम को रोशन किया है, और आज जो ये निर्णय हुआ है ये बहुत गलत निर्णय हुआ है। हम सब इसका विरोध करते हैं, और जैसा सभी लोग आदेश करेंगे हम उनके साथ हैं, और जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष से मैं आज इस्तीफा देता हूं इसके विरोध में। आप ये बताइए, जब सभी समर्थक आश्वस्त थे, ओम जी का नाम सबसे ऊपर चल रहा था, आखिर ऐसी क्या परेशानी, क्या मजबूरी रही, क्या कारण रहा जो कि किसी और को टिकट दिया गया? ये तो हाई कमांड को कैसा उन्होंने वो किया, किस प्रकार से उन्होंने बात रखी अपनी, ये तो हाई कमांड जाने। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि 5 साल तक ओम रघुवंशी जी ने जितनी मेहनत की इस क्षेत्र में और कांग्रेस को जिंदा करने के लिए और नगर की समस्या और यहाँ समस्या किसानों की हल करने के लिए, चाहे किसानों की बात हो, हरिजन आदिवासियों की बात हो, सबके लिए रात दिन एक कर दिया, और वो विजयी प्रत्याशी होते, सब लोग इस आशा के साथ बैठे थे कि आज ओम रघुवंशी जी को टिकट मिलेगी और निश्चित रूप से एक विधायक, अच्छा सशक्त विधायक देंगे हम, जो जनता की सेवा कर सके। वर्तमान में जो टिकट मिला है, जिसको भी मिला है, उसको हार जीत को लेकर आप कैसे देखते हो? ये तो अभी समय बताएगा उनको, हम लोग तो पूरे विरोध में हैं। किस फैसले को किस प्रकार से देख रहे हो? ये फैसला अगर होता तो हम शायद इसका स्वागत भी कर लेते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये फैसला है। ये तो एक ऐसा समझौता है जिससे सिवनी मालवा और इस पूरे जिले में कांग्रेस का भविष्य अंधकार में डूब गया। यहाँ ओम से ही शुरू होता है और ओम पर ही खत्म होता है, ये पार्टी को समझ लेना चाहिए। और अगर पार्टी इस चीज को नहीं समझती है तो उसका नतीजा भी पार्टी को देखने को मिलेगा। ओम रघुवंशी को टिकट नहीं मिलना, आप जान ये मानते हो क्या शीर्ष नेतृत्व ने या कांग्रेस ने भाजपा को वॉकओवर दे दिया है? हाँ, एक प्रकार से आप लोग मीडिया से खुद हैं, देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर रात में 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे इस प्रकार के कमेंट डलने लगे हैं कि वॉकओवर कांग्रेस की तरफ से दे दिया गया, और भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। और रही बात ये जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है, अगर ये सर्वे कर रहे हैं और चीजों को लेकर चलना चाहते हैं तो इस प्रकार के रुझान और इस प्रकार की चीजें तो नहीं आना चाहिए था। क्या कारण था जो इस प्रकार का आप लोग के हिसाब से गलत निर्णय? गलत, ये अगर गलत नहीं होता तो रात के 1:30 बजे तो शायद किसी के साथ ऐसी अनहोनी हो जाए, तब भी इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी होती है। आप खुद देख रहे हैं ये भीड़ नहीं है, ये ओम रघुवंशी की ऊर्जा है, और यही ऊर्जा ओम रघुवंशी से एक एक कार्यकर्ता को मिलती है। और अगर ये कमांड अपना फैसला नहीं बदलता है तो आगामी आप लोगों का क्या होगा? पार्टी उसका नतीजा खुद देखेगी। और हम तो सिर्फ विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, इस जिले में जहां जहां जैसा जैसा कार्यकर्ता के साथ गलत हुआ है वैसा वैसा कार्यकर्ता नतीजा बताएगा। टिकट आ गई है कांग्रेस की, अब आप कैसे देख रहे हैं? बहुत ही गलत निर्णय लिया है पार्टी ने, ना सर्वे में सर्वे देखा गया पार्टी ने, ना कुछ इतने जो चल रहा था चर्चा में कि सर्वे हो रहा है, सर्वे में नाम, सर्वे के हिसाब से देखा जाए इतने 5 सालों से निरंतर ओम भैया ने संघर्ष किया है। मतलब चुनाव हारने के दूसरे दिन से मैं बताऊं कि दूसरे दिन हम मिलने आए तो पता चला कि भैया फील्ड में, इतनी मेहनत करने के बाद आज पार्टी टिकट नहीं देती, तो बहुत ही गलत निर्णय लिया है। ऐसे तो एक बोला जाए तो कांग्रेस सरकार बना ही नहीं पाएगी। रात के 1:00 बजने वाले हैं, 1 बजे आप सभी समर्थक यहाँ पर हैं, आगामी क्या आप लोग कदम उठाने वाले हैं? आगे हम सब लोग चर्चा करके अब कल निर्णय लेते हैं हम, और इसका विरोध करेंगे, जहाँ जाना पड़ेगा हम जाएंगे। हाईकमान का फैसला आ चुका है, इस फैसले को कैसे दिख रहे हो आप? ये फैसला बिल्कुल गलत हुआ है कांग्रेस पार्टी के साथ। अगर यहाँ पर सिवनी मालवा को विजयी बनाने कांग्रेस प्रत्याशी जिताना था तो ओम रघुवंशी का नाम जो पहले से ही चला आ रहा है सर्वे में, पहले नंबर पे, 1 नंबर पे, पेपर में भी दे रहे,
सर्वे भी दिया और अचानक एकदम जो नाम नया नाम एकदम कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया, ये गलत किया सभी लोगों के मन की भावनाओं के साथ ठेस पहुंची है सभी को। और इसमें ओम भैया का नाम आना था और अगर कांग्रेस पार्टी को विजयी प्रत्याशी चाहिए था तो ओम भैया ही जीत सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोग करते हैं तो ग्रामीण अंचलों से भी पता चल गया होगा, तो कैसे देख रहे हैं आप ग्रामीण? नहीं नहीं, ये तो बहुत एक प्रकार से अविश्वसनीय है ये, क्योंकि चार दौर का सर्वे हुआ था यहाँ कांग्रेस के द्वारा, चार प्रभारी आए थे यहाँ पर और सब में ओम रघुवंशी का नाम सर्वे में सबसे आगे था। इसके बाद ये एकदम से टिकट को चेंज कर देना, ये तो मतलब पार्टी लड़ने के पहले ही हार गई। मतलब सिवनीवालवा में जो भी शेष नेतृत्व आता था, राष्ट्रीय भी नेता भी आते थे, वो यहाँ जरूर आते थे और ओम रघुवंशी का नाम सबसे ऊपर, आप क्या मानते हैं आखिर क्या कारण है, क्यों कट गया वो, क्या कारण? इसमें कारण, इसका कारण तो ये है कि भाई पार्टी को ये तो पहले विचार करना था कि भाई इसमें जो सही बात सामने आ रही थी सर्वे में कि भाई उन्होंने भी देखा यहाँ सभाएं हुई पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसमें जो जन समर्थन था वो पूरा का पूरा ओम रघुवंशी के साथ था। ऐसे आदमी को टिकट दिया गया जिसके साथ जन समर्थन ही नहीं है, और हम शीर्ष नेतृत्व से इस विषय में जाकर बात करेंगे, वहाँ कमलनाथ जी से बात करेंगे, भाई ये टिकट को बदलो, आप टिकट नहीं बदलो तो फिर आप जानो, आपका प्रत्याशी जाने। समर्थकों ने तो कुछ फैसला किया? हाँ, हम पूरा जाके कमलनाथ जी से मिलेंगे, भाई टिकट बदलने की बात कहेंगे उनसे कि आप टिकट को बदलो। वर्तमान में जो पार्टी ने टिकट दिया उसका आप विरोध करते हो? विरोध करते हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप इसको? ये फैसला बहुत अनुचित फैसला है। जिस आदमी ने पार्टी को इतने दिन तक जिंदा रखी, आज 40 साल से कांग्रेस पार्टी को चीनी मालवा में जिस आदमी ने जिंदा रखी, उस आदमी का पार्टी टिकट काट रही है, जो कल आते हैं वो टिकट पाते हैं, ये तो अनुचित निर्णय है। इसमें बहुत रोष है हमें सभी लोगों को, आज अपार जन समर्थन खड़ा है, आधी रात को लोग सो गए नहीं तो जगह नहीं मिलती खड़े रहने, इतने लोग हो जाएंगे, कल तो हम जाएंगे भोपाल जाएंगे और हाईकमान से भी चर्चा करेंगे इस विषय में, ये निर्णय गलत है। आप हाईकमान अगर अपना फैसला नहीं बदलता है तो फिर इस चुनाव का आप कैसे? हाँ, आगे विचार करेंगे सब लोग मिलकर, कुछ ना कुछ निर्णय करेंगे, लेंगे, विरोध करेंगे, बिल्कुल विरोध करेंगे। युवा किस प्रकार से इस फैसले को देख रहे हैं जो कांग्रेस की लिस्ट आई? युवा अभी सभी में तो यही था कि कांग्रेस में प्रबल दावेदार ओम रघुवंशी है, ये मान के चलो कि एक भविष्य कांग्रेस का जो ओम रघुवंशी बना सकते थे वो कोई नहीं बना सकता सिवनीवालवा में। किस प्रकार का विरोध करते हैं? विरोध पार्टी को लेके ये है कि उन्होंने जो भी फैसला किया बहुत गलत किया है और इसके लिए हम आगे तक जाएंगे, और यहाँ से अगर पार्टी अगर सीट बदलती भी नहीं है तो भैया को हम चुनाव लड़वा के रहेंगे। समर्थकों का विरोध सामने 1 बजे सड़क पर आ रहा है, अगर फैसला नहीं बदला तो क्या ओम रघुवंशी जी को फिर चुनाव लड़वाएंगे समर्थक? पहले तो हम सभी लोग पार्टी नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को इस चीज से अवगत कराएंगे और अपना विरोध करेंगे वहां जाके कि यहां से प्रत्याशी चेंज किया जाए, ये सबसे पहली हमारी मांग रहेगी और यही विरोध रहेगा। और अगर नहीं माना गया तो? नहीं माना गया तो सभी लोगों से राय लेके सभी लोगों का जो भी सलाह रहेगी उस हिसाब से काम किया जाएगा। कांग्रेस ने अपनी नर्मदापुरम जिले की लिस्ट जारी कर दिया, सिवनीवालवा की बात करें तो नए चेहरे को और युवा चेहरे को डाला है, जबकि सर्वे की हम बात करें तो ओम रघुवंशी सबसे ऊपर चल रहे हैं, ऐसा क्या कारण है, कैसे देखते हैं? अब सर्वे की बात भी यहाँ तक है तो हम सुनी हुई बात ही मानते हैं कि सर्वे में हम ऊपर थे, या हम ये भी माने कि भोपाल में चर्चाओं में भी था, पेपरों में भी था कि सिंगल ही नाम दिल्ली गया है, ये सब चर्चाओं की बात है और ये सर्वे हमने भी नहीं देखा और चर्चाएं हमने भी नहीं सुनी, लेकिन पार्टी के स्तर पर जो फैसला हुआ है उसके बारे में ज्यादा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। नहीं, अब ये पार्टी के शीर्ष नेताओं का फैसला है, जो हमारे प्रभारी हैं या प्रदेश के जो मुखिया लोग हैं उन्होंने भी कई चीज देखी होंगी, हमारे यहाँ चोपड़ा जी भी आए थे, सुभाष चोपड़ा जी दिल्ली से पर्यवेक्षक बन के, संजय कपूर जी भी आए थे, संजय शर्मा जी भी आए थे,
जिला अध्यक्ष भी आए, अभी आक्रोश यात्रा थी तो सुरेश पचौरी जी भी आए, इन सब ने देखा और पिछले 5-10 का 15-20 साल से सारे कार्यक्रम हम सब लोग मिलकर चला रहे हैं कांग्रेस को, और कांग्रेस को मजबूत बनाए रखा हुआ है। और उसी तारतम्य नेताओं ने देखा भी होगा कि कार्यक्रम किस स्तर के और कैसे हुए और किन की सहभागिता और भागीदारी ज्यादा रही। उसके बाद भी अगर ये फैसला होता तो ये हाईकमान का फैसला है। हमें समर्थन की यहाँ पर स्थानीय स्तर पर बात करूँ, सबसे ज्यादा समर्थन आपके साथ है, अब कैसे इंफॉर्मेशन देंगे, क्या अगला आपका कदम होगा? अब अगला कदम तो अभी हम पार्टी हाईकमान के हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि बात पहुँचाएंगे, और ये सब बात पहुँचाने की बात कर रहे हैं, और पार्टी हाईकमान का भी जो फैसला है उसको तो अभी हम देख रहे हैं।